नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मैं आपको शेयर करूंगा एक महीना पहले जो मैंने हिबिस्कस को प्रूनिंग किया था उसका क्या अपडेट है और अभी क्या केयर करना है उसको, ताकि आपको अच्छा फ्लॉरिंग मिले तो और एक अच्छा हेल्दी पौधा भी मिले। तो दोस्तों उसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा, क्या क्या फर्टिलाइज़र उसमें अभी यूज़ करना है, तो इसके ऊपर जो है पूरा आज मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा इसमें, देखिए ओलियंडर का जो ब्लूमिंग मतलब कर रहे हैं अभी, ये फर्स्ट जो है फ्लावर है, देखिए बहुत ही प्यारा कलर ये और बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। तो दोस्तों चलिए मैं थोड़ा सा पहले जो है मैं जितना हिबिस्कस है उसको जो प्रूनिंग किया था तो उसका क्या अभी अपडेट है मैं पहले दिखा देता हूँ। पहला जो है देखिए ये पूरा जो आप देखिए इसमें कितना अच्छा ब्रांचेस निकला है, पूरा भर के जो है ब्रांचेस है, अभी इसमें फ्लॉरिंग अभी स्टार्ट करेगा जब आप इसमें जो है फर्टिलाइज़र आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों ये देखिए ये सारा जितने हिबिस्कस है मेरा एक लाइन पे लगा हुआ है, पूरा जो है पूरे में जो है पूरा ब्रांचेस आ रहा है और न्यू ब्रांचेस में जो है अभी धीरे धीरे इसमें फ्लॉरिंग भी स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों उससे पहले जो है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए मेरा जो एडेनियम है वो भी पूरा जो है अभी खिल मतलब फुल ब्लूमिंग में है, पूरा आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा ब्लूमिंग चल रहा है इसका, आप देख रहे हैं कि कितने में एक मतलब जो है एडेनियम में कितने फ्लावर है और मेरे पास जो है बहुत सारा एडेनियम इसमें है। एक लाइन पे देखिए आप पूरा एडेनियम जो है ब्लूम कर रहे हैं तो और छोटा छोटा जो है उसमें भी फ्लॉरिंग चल रहा है अभी। तो दोस्तों चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जो मैंने फर्टिलाइज़र की बात किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए ये मैंने एक पौधा जो है यहाँ पर लेकर आया, तो देखिए कितना अच्छा इसमें ग्रोथ कर रहा है, कितना अच्छा इसमें ब्रांचेस निकला है, बहुत सारा ब्रांचेस इसमें निकला है। देखिए ये प्रूनिंग मतलब यहाँ से किया था, यहाँ से ये किया था। तो दोस्तों ये प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, हर साल स्प्रिंग सीजन शुरू होने से ही मतलब आप जो हिबिस्कस को अगर प्रूनिंग कर देंगे तो उसका जो नया ब्रांचेस निकलता है एक तो है बुशी भी बनता है, दूसरा जो है इसमें फ्लॉरिंग भी अच्छा होता है। तो दोस्तों चलिए फ्लॉरिंग के लिए थोड़ा बहुत जो है एक तो जो है दोस्तों इसमें ये जो हिबिस्कस है ये हेवी फीडर है, इसको 15-20 दिन में एक बार जो है आपको फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो जब इसमें फ्लॉरिंग का टाइम आता है तो उससे पहले जो है आपको इसको फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए आप अभी जो देखिए, तो दोस्तों ये अभी जो है इसमें देखिए ब्रांचेस आ गया, प्रूनिंग के साथ साथ ही मतलब कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रूनिंग के बाद मतलब कम से कम एक महीने के बाद जब इसका ब्रांचेस निकल जाता है, जब इसका ग्रोथ मतलब कहना अच्छी तरह पकड़ लेता है तभी जाके इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों प्रूनिंग के कम से कम जो है 20 दिन के बाद जब इसमें ब्रांचेस निकल जाता है तभी मतलब कहना इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है। तो फर्टिलाइज़र में मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन सा फर्टिलाइज़र देने से आपका पौधे में जो है फ्लॉरिंग अच्छा करेगा और पौधा जो है वो भी अच्छा मतलब कहना हेल्दी और पुष्टि बनेगा। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाता हूँ वो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं इस्तेमाल करूँगा, तो उसका जो ये है मैं आपको दिखाता हूँ, ये है काउडंग मैन्यूर, आप इसके जगह पे वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। देखिए ये है बोन डस्ट, देन ये है नीमखली, ये है थोड़ा मस्टर्ड केक पाउडर, ये थोड़ा जो ये जो कि इप्सम सॉल्ट है और ये थोड़ा फंगिसाइड्स है। तो दोस्तों ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है आपका पौधा एक तो हेल्दी बनेगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो पहले प्रयोग किया था एक पौधे में तो उसका जो अपडेट है वो कितना अच्छा हेल्दी बना है वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो पहले जो है मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं इसको यूज़ करूँगा और यूज़ करने का तरीका जो है वो भी मैं बताऊँगा और उसके बाद का केयर जो है वो भी मैं बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसका जो क्वांटिटी ये जो रेशियो है, तो दोस्तों देखिए ये देखिए कितना अच्छा जो कि मैंने बताया था आपको कि जो फर्टिलाइज़र मैंने यूज़ किया ये पहले मैंने इसको प्रूनिंग किया था तो उसके बाद 15-20 दिन के बाद मेरे ख्याल से 20
उसके 20 दिन के बाद मैंने जो है इसको फर्टिलाइज़र मतलब यूज़ किया था, जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको शेयर किया, तो उसके बाद देखिए कितना अच्छा बुशी और कितना बहुत ही हेल्दी और पूरा जो है एक अच्छा मतलब हिबिस्कस की जो पौधा है वो बन गया है। अभी कुछ दिनों में जो है इसमें बड्स आना शुरू हो जाएगा और बहुत ही अच्छा इसमें फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों चलिए, एक पौधे के लिए कितना फर्टिलाइज़र देना है वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और साथ में वीडियो में भी मैं इसमें डिस्प्ले कर दूंगा, तो उसमें से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको मिक्स कर लेता हूँ पहले अच्छी तरह। तो दोस्तों ये मिक्स कर लिया मैंने, तो इसको जो है हर पौधे में जो है डेढ़ मुट्ठी के करीबन आप कंपोस्ट जो है डेढ़ मुट्ठी के करीबन जो मिक्सचर है इसको आप प्रयोग कीजिए। और प्रयोग करने के तरीका जो है दोस्तों वो मैं बता देता हूँ। इसको जो है सुबेरे आप गुड़ाई करके रखना है ताकि इसके अंदर जो ये हार्मफुल गैसेस होता है तो वो निकल जाता है, और साथ में जो है पौधे के जो जड़ है उसमें ऑक्सीजन भी थोड़ा सा हवा मिल जाता है, ऑक्सीजन भी मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए अभी जो है इसको किनारे किनारे में जो है इसको आप डाल दीजिए। और इसको मिट्टी के साथ आप मिला दीजिए। उसके बाद दोस्तों इसको वाटरिंग कर देना है। दोस्तों मैं पहले सभी पौधे में मैं इसमें फर्टिलाइज़र को यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपके पास आता हूँ फिर। तो दोस्तों देखिए वाटरिंग कर दिया मैंने पूरा जो है भर के, देखिए नीचे से ड्रेनेज होल से भी निकल रहा है, तो इसके मतलब जो है पूरा वाटरिंग हो गया। अभी जो है दोस्तों इसका केयर आप इसको मतलब जितनी देर तक सनलाइट इसको मिले उतना ही अच्छा है, तो फुल सन में आप इसको रखें। और मतलब जो कि 15-20 दिन में एक बार आप इसको पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करें, क्योंकि ये न्यू लीव्स नया ब्रांचेस है तो जो इंसेक्ट्स है वो जल्दी इसमें अटैक करते हैं। तो 15-20 दिन में एक बार अगर आप इसको पेस्टिसाइड्स की स्प्रे करेंगे तो पेस्ट जो है फ्री रहेगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों फिर 20 दिन के बाद आप इसको थोड़ा बहुत जो है फिर फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। उस टाइम जो है आप इसको बोन मिल, थोड़ा सा नीमखली एंड थोड़ा सा जो है कंपोस्ट आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे जो है आपका फ्लावरिंग बहुत ही अच्छा इसमें मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।